फिर ये और इसके बाद ये तीनों यहाँ पे, बस एक कमी है, इसके भी ब्लैक कपड़े होने चाहिए थे। सब अपनी अपनी डॉल को पकड़ के बैठे हैं। वाह वाह, क्या हो रहा है दुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं। मैं सारा दिन जाना कोई भी काम नहीं, बस इसके अलावा इनको उठा उठा के पटकना, प्रसाद सुलाना। क्या कर, ओई क्या कर रही हो, क्या कर रही हो द्वारा? नहीं यही है, क्या कर रही हो? एक तो मुझे दे दो। यहाँ पर इस मैडम को देखे भागती भागती जा रही है और ये मेरे साथ जा रही है। बस इसको ट्यूशन छोड़ते हैं, फिर कुछ लेते हैं पकाने के लिए और फिर चीज़ ले रही है। और ये देखिए मेरे हाथ पकड़े और चल रही है। मैंने भी यार दाल बनाने का सोचा तो सामान दिया। ये मैं 20 की लेके आई हूँ, तो मैंने कहा इसे खोल खाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वहाँ सऊदीया में भी ये लेती थी, यहाँ पे भी खोली है ऊपर से थोड़ी सी, मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं है, फिर फुल जाके खोली और ये निकल जाए इसमें चंद एक गिने चुने दाने जो है इसमें निकले। ये बहुत मज़े की होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये इतनी तीखी नहीं है, स्वीट चिल्ली का है, लेकिन जो इसमें से लीची वाली है ना वो बहुत मज़े की होती है। आज फर्स्ट टाइम लिया, मैंने कहा इसका भी टेस्ट कर लेते हैं ये कैसी है, लेकिन ये सही है बच्चों के लिए, ये ठीक है। लेकिन जो मैं लेती थी ना रेड चिल्ली वाली, वो बहुत मज़े की होती है। और के जो चटपटे नूडल्स होते हैं ना, मैं भी वो पड़ी थी, मैंने वो उठाई और थोड़ा सा सालन था फ्राई पैन में, तो मैंने कहा बस इसको रहने देती हूँ उसमें। फिर मैंने साथ में खीरा कट कर लिया, इसके ऊपर लेमन छोड़ती हूँ और मैं इससे मज़े से खाती हूँ। तब तक पानी बॉयल हो जाएगा, तो आज हमारे घर में बनेगी चने की दाल। तो बस इसको वो करते, दूसरी दाल असल में बनानी थी वो है नहीं माश की, तो बस फिर चने की पड़ी थी। मैंने कहा बस आज इसी से गुजारा करते हैं, कल की कल देखिए। इसमें लेमन और जो खीरे ने कमाल किया ना, वो मज़ा इसका दुबाला हो चुका है। मैं किचन में आई हूँ पानी पीने के लिए, ज़बरदस्त इसका हो गया। मैं दुआ के सामने नहीं गई क्योंकि वो मैगी शौक से खाते, मैंने कहा वो मांगेगी ये, लेकिन नहीं उसके लायक की नहीं है, अपने हिसाब की ना मज़े की है चटपटी। और जो है ना पिंक पिंक हो चुके हैं प्याज, अब उसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट और जो है ना मिर्ची, मैंने दोनों साथ में चॉप कर लिया, इसको मिक्स करके और फिर जो है ना चीज़ें मैं आपको दिखाती। मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, जीरा, तो मैंने लहसुन अदरक के साथ ही ना वो कर लिया था वो। बस मैं इसे जो दाल में थोड़ा सा पानी है वो ही डाल के इसको अच्छे से भून लूँ। जब ये अच्छे से हो जाएगा, ये भी देखिए है इसमें अच्छे का, तो फिर जो है ना हम इसमें दाल ऐड करेंगे और जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो भी साथ में ऐड करके हल्की आँच पे ना इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। धनिया वगैरह और हरी मिर्च ऊपर से डाल के वही पानी, और नहीं पानी डालना, बस वही पानी डालना, वो जो है ना कर देंगे। वैसे मैं अलग दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ, वो मैंने अक्सर शेयर किया हुआ है, तो मैंने कहा आज ये दूसरे तरीके से बना के जो है ना ये वाली रेसिपी जो है ना ये भी वो कर देती हूँ, तो इसीलिए आज मैंने ऐसे बनाया। वरना जो हमेशा मैं बनाती हूँ वो पहले मैंने काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ कि सारे मसाले दाल एक साथ डाल के लास्ट में जो है ना नमक मिर्ची वगैरह सारा कुछ उसमें डाल देते, लास्ट में जो है ना तड़का लगाते हैं। तो मैंने कहा नहीं आज जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट बनाती है। तो देखिए मेरा मसाला जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो है ना मैं इसके अंदर दाल ऐड करती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन आधे कप के करीब वो ऐड कर देती हूँ, साथ में हरी मिर्ची और हरा धनिया भी ऐड करती हूँ। यहाँ पर ये रही हमारी दाल, बस इसे 10 मिनट के लिए जो है ना मैंने इतना ही पानी डाला जिसमें बचा था वही है और नहीं डाला, तो इसे सिर्फ मैं 10 मिनट और पकाऊँगी, उसके बाद जो है ना चूल्हे से उतार लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चांदी की ब्रेसलेट है ना ये हो गई है, पता नहीं किस चीज़ के साथ रखा है, तो ये हो गई है ब्लैक, तो मैंने इसके अंदर सर्फ ऐड किया और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं जो है ना बॉयल करी, फिर इससे ना टूथपेस्ट लगा के इसको ना अच्छे से धोऊंगी, वैसे कर देती हूँ, फिर इसको ना अच्छे से मलूंगी और ये साफ़ हो जाएगी। क्योंकि मेरे अब्बू कहते हैं कि बाहर से अगर तुम लोग धुलवाते हो ना तो वो धोते नहीं है, वो उनके ऊपर मशीन लगा उससे रगड़ाई करते हैं जिससे ये हाफ हो जाती है। तो फिर अब्बू ऐसे करते थे अपनी अंगूठी वगैरह जो कि चांदी की अंगूठी होती थी ना, तो मैंने भी आज वही किया। देखिए अब ये क्या होता है, साफ होते हैं या नहीं होते।
चूल्हा कर दिया बंद, तो मैं जो है ना अब इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, फिर बाद में हाथ में मुझे अंडे और ब्रेड मिल गए, और जो है ना मुझे नहीं मिला आटा, क्योंकि दुकान वाले ने कहा अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा, तो मैं जैसे ही आता है फिर जो है ना मैं अली को भेजूँगी आके ले जाएगा, क्योंकि पैसे उनको दे दिए, तो वो फिर अब अली को भेजूँगी या मैं फिर खुद ही आऊँगी, क्योंकि 7:30 हो गया, फिर उसको सुलाना भी है, तो मैं खुद ही आके पता कर जाऊँगी फिर। ये देखें जी, ये जो है ना बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, तो बस अब इसको जो है ना दूसरी निकली चीज़ों के साथ नहीं रखते, ताकि ये फिर से ना काली हो। यहाँ पे जो है ना मेरी और चाचू की चाय बन चुकी है, खाना हो गया था तो चाय बन चुकी है, तो चाचू को देती हूँ चाय पी के, फिर जो एक दो बर्तन है ना वो आके वॉश करूँगी, और फिर जाके लेटूँगी, दुआ को सुलाने की कोशिश करूँगी कि वो सो जाए। ये यहाँ पे बैठ के उनके साथ खेल रही है, कब से मज़े से। सब ठीक है आप सब? अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, तो आज मुझे थोड़ा सा वो खिलाएंगे, इसका मतलब एक्टिविटी करवाएंगे, तो देखते हैं करवाएंगे कि नहीं। और मम्मा ने उनका पहन लिया, तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, तो अभी मैं स्कूल जाने लगी हूँ, तो मम्मा बोल के पहन ली है, और मैं यहाँ से वीडियो बना ली हूँ। आई फाइन रेडी हो गया, वो सिर्फ अपने सॉक्स पहन ला है, और अभी का जो मम्मा अभी कितने बजे हैं? अभी 8 बज गए हैं। मैं कब से जिद कर रही थी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, बस फिर इधर मुझे भेज दिया है। क्या नहीं जाना? मुझे नहीं जाना, पर इधर मुझे भेज दिया। ये किसकी है? ये आपकी है, मैंने छोटी सी तस्वीर आपके लिए ली है कि आप पढ़ती रहें, वहाँ पे खड़ी कर दो। हाँ वहाँ पे खड़ी कर दो ना, स्कूल नहीं लेके जा सकते। अच्छा, रात एक आंटी बोल रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे फादिया ने रेसिपी बताई थी ना, मैंने वैसे बनाई, बहुत मज़े का सालन बना। तो और रेसिपी कब बताओगी? अच्छा आंटी को थैंक यू बोल दो जिन्होंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी। आंटी थैंक यू। मम्मा जब आप लाइव करोगे ना, तब मैं आप सबको लाइव एक बताऊंगी, नई रेसिपी रोज बताऊंगी अगर आप लाइव करोगे साथ। तो आपको लाइव जब होती है तब आप सो रही होती हो ना? तब तो मैं संडे वाले दिन करेंगे, ठीक है? उस दिन आप फ्री होती हो ना, उस दिन रेसिपी बता दो। अब देखो मैं ट्यूशन की छुट्टी कर लूँगी, इसे बस छुट्टी ही करनी है। किचन में पानी पीने की, तो ये जो था ना वहीं पर पड़ा हुआ था, तो फिर से मैं जा रही हूँ अली को ये देने, तो उसके बाद फिर आके लड़ूंगी। बहुत ही प्यारा ग्रुप बात है। बेडशीट चेंज कर लूँ, तब तक आटे को 10-15 मिनट हो जाएंगे, और फिर जाके ना रोटी बनाएंगे। और यहाँ पर स्कूल में नहीं खाई थी क्यों? ओके okay. ये देखिए, ये है मेरे बचपन की ब्लिक्स, ये मैं हूँ और ये मामू मदनी है, ये भी मैं हूँ। एक मिनट दिखाओ तुम, ये देखे बिल्कुल मैं इसके जैसी, ये मेरे जैसी थी बिल्कुल। ये कौन है? ये मेरी दादी अम्मा, और ये भी मैं हूँ, और यहाँ पर ये दोनों कौन है? ये मदनी भाई और मैं, मामू मदनी और ये कौन है? ये भी हम दोनों हैं, और यहाँ पे फूल भी भाई। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी आपको पिछले, ऐसे ऐसे करो ना फिर सबको नज़र है। और भाई ये वाला जो है ना, अभी ऊपर वाली ये कोटी अभी तक भी मेरे पास है, ये जो है ना मैं इसका ब्लैक सूट लूँगी और उसके साथ। और यहाँ पर ये देखे मदनी भाई, ये हमारी मदीने की पिक्स है, ये सारी जो है ना मेरी मदीना की पिक्स है यहाँ की। और ये जब हम लोगों ने हज किया था, ये मेरी तब की पिक्स है। ये कौन था फिर? ये मामू मदनी है, ये भी मेरी दादी है। मामा मैं यहाँ पे देखो, ये देखो
ये देखो और ऊपर देखो तो मेरी तरफ देखो और ये देखे और ये देखे, ये बिल्कुल मेरे जैसी। ये मैं हूँ जी। अच्छा आप हो। ये वाला कौन है? ये जो है ना ये भी मैं हूँ और ये अबू है, नाना अबू। मम्मा ये, ये देखो एक ये है मेरे लिए। मम्मा जी आपने तो ये इनको बताया नहीं। ये नानी अम्मा है, इनको नहीं दिखाना। नानी अम्मा। अच्छा एक सेकंड मैं देखूँ, रुक जाओ। और यहाँ पर ये देखें, ये मम्मा है और ये मैं और इधर से नानी अम्मा। ये ना मामू देखे और गुस्सा करके तुमने दिखा दिया। तो आगे की ये कौन है? ये भी दादी है और मैं, ये मेरी दादी है और ये मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ और ये भी मैं। ये देखें ये कौन है? मैं इतनी सी थी जब सऊदी अरब गई थी और फिर जब वापस आई थी। एक मिनट हटो। ये कौन कौन है? ये आपकी नानी अम्मा है जो अल्लाह के पास है, ये अब्बू है, नाना अबू और ये मैं हूँ। छोड़ो। और फिर जो है ना मैं इतनी सी होके वापस आई थी, मतलब दुआ के जितनी थी गई थी और फाजिया के जितनी थी और वापस आई थी। इधर से आप देख रहे हैं, इधर से जी ये देखो मैंने बिल्कुल आपकी जैसे फेस बनाया हुआ यहाँ पर। ये देखो बिल्कुल आपके जैसे और दुआ के जैसे फेस बनाया। ये हमारी तब की है जब हम लोग हज करने गए थे, ये वहाँ पे जबल रहमत की है। ये कौन था? ये मामू मदनी है और उनकी पिक्स ऐसे वो पड़ी पड़ी ऐसे होंगी। और आगे ये भी अब्बू है और दादी अम्मा है और यहाँ पर भी। ये कौन है? ये नाना अबू है और ये दादी है, मेरी दादी है बस। और यहाँ पे ये मदर भाई है। तो बस ये थी मेरी पिक और मेरे बचपन की। एक सेकंड अब तुम चुप हो जाओ, मैं आपको अपने आपके एक बचपन की। अच्छा ठीक है। तो जैसे मैं पाकिस्तान पहुँची ना, ये देखो ये आपके मामू है, ये नाना अबू है और ये मामू मदन है। तो वो पाकिस्तान में जो पानी के लिए छोटी छोटी सी वो निकाली होती है ना टॉयलेट, मैं वहाँ से जैसे अंधेरा था, काफ़ी पुरानी बात है, छोटी सी थी, तो सब ने तो छलांग लगाई, वो चले गए उस पार। तो मैं वहाँ पे खड़ी होगी, मैंने जैसे छलांग ली, मेरे पहले मेरे एक्स साथ वो था, मैं नीचे गुड़ उसके पानी के अंदर गई। नहरों से जैसे पानी निकालते हैं ना, तो बीच में छोटी छोटी वो नालियाँ बना देते ज़मीनों को पानी लगाने के लिए, मैं सीधा उसी के अंदर गिरी। फिर जैसे सुबह हुई मैं उठी तो ना, मैं पूरे जो वाटर पम्प होते हैं ना देहातों में, उनके सारे नट खोल दिए। मैंने नट खोल रही हूँ और मुझे अरबी इस टाइम ना फुल आती थी, मेरी दादी के साथ में रहती थी ना, तो मुझे फुल अरबी आती थी और मैं दादी से चीख रही हूँ कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तो फिर जो है ना ताई आई तो उसने वो सारे नट लगाए। नट लगाने के बाद फिर जो है ना, ये बहुत पुरानी, तो ये जो है ना फिर उन्होंने नट लगाया, फिर उन्होंने चलाया हाथ से तो पानी निकला और मुझे वो हुआ। और बचपन में मेरे साथ बहुत बड़े हादसा हुए, मेरे दोनों पाँव एक दफ़ा तो ना अम्मी दूध वगैरह लेके गई मामू के पास, के जो है ना वो वहाँ से ना मामू बहुत अच्छी जो है ना वो जलेबियाँ वगैरह मिठाई का काम मामू बहुत अच्छा करते थे, तो उन्होंने कहा कि ना तो वहाँ से ना तुम लोगों के लिए बनवा लूँगी बर्फ़ी। तो अंधेरा था वहाँ पे गांव में, साफ ज़ाहिर बिजली होती नहीं थी, छोटी लालटीन थी तो वो एक जगह पे पड़ी थी। और मैं जैसे बाहर से आई ना भागती हुई आई और आगे ना दूध का देगचा गरम गरम उसी टाइम मम्मा ने ना उतार के रखा हुआ था उसके अंदर मेरा पाँव, और अभी तक वो मेरे पाँव से निशान नहीं गया। एक दफ़ा ये हुआ एक पाँव के साथ, दूसरे पाँव के साथ फिर ये हुआ कि मम्मा ने ना खीर ये बना रही थी गुड़ वाली, एक तो चावल बनाती है एक खीर भी बनती है गुड़ वाली, वो भी बड़ी मज़े की बनती है, जैसे हम खीर बनाते हैं नॉर्मली वैसे, लेकिन चीनी की जगह गुड़ डालते हैं। अच्छा मम्मा वो बना रही थी तो ना मम्मा कह रही है मैं ना पता नहीं क्या मेरा रोई पता नहीं शाबाज भाई ऐसे, ये लालटीन लेने गई तो मुझे वहाँ पर खड़ा किया, मैं वहाँ बड़ी अम्मा बन रही हूँ। मैंने जैसे ही चमचा चलाने के लिए चमचा चलाया, यूँ उठाया कि वो नीचे जाएगी देगची के अंदर खीर, लेकिन वो सीधी मेरे दूसरे पाँव पे गिरी। तो मेरे दोनों पाँव जो है ना, दोनों पाँव के ना निशानात हैं अभी जलने के, काफ़ी हैं इस पर भी है। और ये वाला जो था ना मामू के घर जला था, ये अभी तक भी ना मेरे पाँव से निशान नहीं गए। तो जो है ना बस ये मेरे साथ आज से है। बाकी जो है ना इंशाल्लाह कल वीडियो जो होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज की हमारी वीडियो यहीं पर है, मेरी वीडियो लंबी होगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ प्लीज़ आप सबका प्यार ही मेरे लिए बहुत है और सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा अभी मेरे पास कल एक
कमेंट था कि अगर आपकी और जो है ना नजमा आपी की और आयशा की मम्मा की डेथ एक साथ हुई थी, तो फिर उन्होंने जो है ना ख़त्म वगैरह नहीं दिलवाया, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया या कुछ नहीं किया। ये भी उनकी अपनी मर्जी है, उनकी चॉइस है, और ये बात सबको पता है कि हम दोनों की जो मम्मा है ना उनकी डेथ एक साथ हुई थी। तो सुमैरा ने वहाँ पर जो ख़त्म दिलवाया उसमें ताई अम्मी का भी नाम ले लिया, मैंने भी जो यहाँ पे पढ़ा था उसमें ताई अम्मी का नाम लिया। अब वो उनकी या तो वो भूल गए हैं या फिर उनको याद नहीं रहा, ये थोड़े मसरूफ़ हैं, तो ये अब उनकी मर्ज़ी है, उन दोनों बहनों की, भाइयों की, तो उनकी। तो बस मेरा ये था कि मैं आप सबको यही कमेंट का जवाब मैंने दिया, और भी जो है ना बस यही कुछ है, रूटीन हमारी चल रही है घर की। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो नव व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। कल फादिया एक रेसिपी दोगी, चलें भी कल ये आपको अच्छी सी रेसिपी, अभी नहीं, अभी वीडियो लंबी होगी, कल 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 कल, प्लीज़ 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 प्लीज़, बाय।